प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आज भी धड़ल्ले से लगभग 478 कोचिंग सेंटर अवैध रूप से संचालित हैं, जिनके पास ना तो किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मंजूरी है और ना ही रजिस्ट्रेशन और ना ही किसी विभाग से कोई एनओसी ली गई है। वहीं बड़े स्तर पर छात्रों की भविष्य व उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यह कोचिंग सेंटर के मालिक। हम आपको बता दें कि एक कोचिंग सेंटर के संचालक जो कि भाजपा के नेता बनते हैं, उनका ऑडियो आपको सुनाया, जिसमें साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि अधिकारी को अगर फिरोजाबाद में रहना है तो झुककर सलाम करना होगा। लोकेश गुप्ता कहते हैं कि मुझसे इसी नेता का 15 मिनट तक एक वीडियो स्ट्रिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनकी लुगाई सही तरफ ही आ जाऊंगी ट्रक से मुड़ कर चलो जाओ। अली मॉर्निंग आ रही है भैया? अरे ना आ रही उधर हो अपन भैया, कल छुट्टी है क्यों? कितने कितने करी एम्बुलेंस ले आई? हम नोटिस में भेजो। अच्छा अच्छा, फायर ब्रिगेड अधिकारी ने? अरे कहा यार, जब उनकी बुलेरो मुड़ गई। अरे तो और क्या कहते हैं, जब सामने वालों को ट्रैक्टर आ जाता है मेटाडोर आ रही है तो हमारी गाड़ी निकल जाती है। हमारी गाड़ी भी बड़ी है, छोटी बड़ी खड़ी होती है अंदर, इनोवा खड़ी होती है, जेसीबी लग जाती है, जेसीबी अंदर। अच्छा, कौन फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने नोटिस में भी? और मैडम क्या करी? मैडम तो मौसम कह ही ना सकता होगा ना, बन जाएंगे का बराबर जी। भतीजे हैं हमारी मैडम, उनकी वो भी भतीजी है, वो जो चाची बोलती है वो बुआ बोलती है। बिल्डिंग और तोड़वानी पड़ रही है तो हमारा कितनी पड़ रही है? बुलाओ ठेकेदार है, बेसमेंट से दूध लोहे का जीना निकलवा रहे हैं अभी नीचे भाई कोचिंग को अलग जीना, और पीछे जो क्लास चल रही है सिविल में की बाघ को अलग जीना निकलवा रहे हैं। फायरबॉल मंगाई है, फायरबॉल फायरबॉल मंगाई हमने, फायरबॉल कच्चे रहे। फायरबॉल में क्या होता है कि जैसे यहाँ लगेगी ना अपने आप फट जाएगी वो, तो जितनी भी पूरी में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा, आग का कुछ करक आग लगने से पहले खत्म हो जाएगी, जल्दी में धुआं पहुंच जाएगा बस। कुर्सी कहाँ गई गोबारी? अंदर तो अंदर ही बैठे, अंदर बैठे, अंदर वाले ऑफिस में बैठे, अंदर आ जाओ। क्या सही आ रहा है, फोटो बढ़िया आएगा आपका। अरे अंदर वाला ऑफिस में स्मार्ट लग रहे हो तुम, चलो बात करो, बैठ दे दो जी। बंद कर दी जाए, बंद है यहाँ तो गेट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार गुप्ता है। लोकेश जी, यहाँ जो संस्था चल रही है क्या नाम है उसका? अल्बर्ट रॉय एजुकेशन। तो कब से चल रही है ये? अभी पिछले इसी साल प्रारंभ की है, और जो भी समस्या है सूरत की कोचिंग सेंटर। तकरीबन कितने बच्चे सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, और कितने बजे स्टार्ट होती है कोचिंग, कितने इस समय? पूरे दिन में केवल 50-60 बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अभी आपने देखा था सूरत में कांड हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ DISO मैम का एक दौरा हुआ था, निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ निर्देशन वगैरह दिए गए थे। उन्होंने निर्देशन दिया है, उस निर्देशन पर आज हमने ठेकेदार भी बुलाया है। दो जीने होने चाहिए, निकलने के रास्ते दो होने चाहिए, वो सब काम कराया जा रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि इस 18 फुट चौड़ी सड़क पर एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। क्या मैं अधिकारी जी से पूछूंगा ना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब उनकी गाड़ी अंदर आ सकती है क्या एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती? जो उन्होंने नोटिस में भेजा है सभी कोचिंग सेंटरों को कि इस गली में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, ऐसा इस गली में क्या है? जबकि फैंसी लाइट का काम इस गली में चलता है, मेटाडोर में माल लद के अंदर से जाता है, तो फायर ब्रिगेड अधिकारी ऐसा क्या देखेगा इस गली में क्या अधिकारी के गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती? सर, कितने सिलेंडरों की आपके लिए रिक्वायरमेंट बताइए थी मैम के द्वारा? हमको 3 सिलेंडरों की बताइए, लेकिन कितने प्रेजेंट है एट ए टाइम? अभी 2 आ चुके हैं और 3 हमने उन्होंने हमें 3 बताई है, लेकिन हम 5 अपनी कोचिंग सेंटर में लगा रहे हैं। कितने तारीख को आपको निर्देशन दिया गया था? निर्देशन हमको परसों दिया गया था, उससे पहले ही हमारा एक आ चुका था और हमने बोल दिया है, क्योंकि तो हमारी आगरा भी फैक्ट्री है, उसमें एक्स्ट्रा हैं, वहाँ से आ रहे हैं। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने कोचिंग का? 50 बच्चों। अभी तकरीबन कितने बच्चे पूरे दिन में आपके यहाँ आ जाते हैं? इतने ही पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, जितना हमारा रजिस्ट्रेशन है उतना ही हम पढ़ाएंगे। अगर बच्चे हमारे बढ़ेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन बढ़वाएंगे। रजिस्ट्रेशन कॉपी आई ना अगर तो भेजी है रजिस्ट्रेशन करा भी 50 अच्छे उन पर कागज सब रहे हैं। मैडम बाबू है ना, था मैडम के हाथ में क्लास तो चलो आप।
बच्चा ही जान ले लो गरीब आदमी की दिखाओ या फिर तुम बैठ तो जान ले लो मेरी दो में से काम तो करना पड़ेगा आपको या तो आप बोलो उस चीज़ में या मुझे उसके में जैसे है तो उसके कागज गए हैं रजिस्ट्रेशन एनओ के तो डन हो तो आप बच्चे ऐसा ना अगर रजिस्ट्रेशन बंद हो एनओ आप कुछ नहीं अरे रुको आप पहले पता करना अगर रजिस्ट्रेशन कब से बंद होते हैं और कब चालू मैं पता नहीं करूँगा पता हूँ नहीं मिल जाएंगे अगर तुम दोगे ना वो बाकी दोगे नहीं वहाँ से बैठ दो आप कितने बोल देना मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मैंने खराब नहीं जान ले लो भाई वो रजिस्ट्रेशन ना तो तरफा मार दो मतलब नेतागिरी मत कर दो जाऊंगा ना धंधा मत कर दो इतनी इतनी कह दो हम तो भाई बंदे हम तो सब कुछ करने देंगे हम तो कहते और तिबंद ना करो तो बस जी नहीं तो जी जो भेज बड़ी स्टोरी बन रही है वो सब में सब चेक करके आया हूँ अच्छी बात है लेकिन अरे कब से चल रही है रजिस्ट्रेशन सही बताना अरे जब तीन चार महीना रहे खोले अगर पूरा सेटअप करा हुआ तब बच्चन के एडमिशन पहले एडमिशन पहले गाड़ी के कागज हो ना तभी तो डलाए लाइसेंस हो पहले गाड़ी हुई तो डलाए लाइसेंस बाद में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है जी ड्राइविंग लाइसेंस बात समझे नहीं तुम ड्राइविंग लाइसेंस 2012 में बनवा लिया मैंने वो ये कह रहे हैं जैसे आपने कोचिंग खोली तो पहले हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं रजिस्ट्रेशन उस समय बंद थे मेरी DIOS मैडम से बात हुई हुई थी उन्होंने जैसे ही ओपन होंगे हम तुम्हें बता देंगे खास रिलेशन में नहीं है लेकिन सचिवालय के माध्यम से बात थोड़ी सी बैठ दे अब तुम जान ले लो भाई तो कुछ बोलना पड़ेगा आप बताओ क्या करोगे नहीं बैठो 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 नहीं तो फिर हमें जिस तरह की आप बता रहे हो वैसे फिर हमें चलानी पड़ेगी थोड़ा फिर हमको बता देगा अभी तो तुम बैट नहीं ले रहे नहीं मैं तो पैसे नहीं देता बैट अभी भी नहीं देता अगले साल में कम मीडिया दाम नहीं ऊपर सुन लो नीचे ऊपर तो मेरा आने का है वो तो उससे चल रही है एनजीओ से चला रहे हो सर एनजीओ से एनजीओ तो उसके लिए बैट तो चला पीछे तक उसके लिए सर फांस दो तुमने खाए फांस और तुम तो यहाँ बैठे ले रहे यार एक चीज़ समझ में नहीं आया ये भाई ये तकरीबन मेरे संज्ञान में कम से कम 8-9 महीने से क्लासेस चल रही है आप चेक कर लो तो ज्वाइनिंग कर चुके अप्रैल 8 को हमने अपना पहला बैच लगाया था जो दो बच्चे आए थे अरे उससे पहले क्या चलता था उससे पहले हमने क्या बच्चों की काउंसलिंग करी है टेस्ट वेस्ट लिए जिससे बच्चे हमारे पास आ सके हमने टेस्ट देखो टेस्ट देख लो हाँ टेस्ट हम जनवरी से ले रहे चलो 3 महीने लग गए 3 महीने 8 दिन कहाँ हो गए 8 अप्रैल से दो बच्चे हमारे पास आए थे मैम 8 अप्रैल जिससे पूछ रहे मासूम जी भी तो हमने आया तो 8 दो बच्चे आए थे फिर बच्चे धीरे धीरे इनके दोस्त वगैरह सब बच्चों के दोस्त वगैरह बच्चे धीरे धीरे हमारे 10th वाले बैच में बच्चे बढ़ते थे नहीं देखो पहले नियम क्या कहता है नियम ये तो कहता है कि पहला मतलब अच्छा आप मुझे आप यू सही है मैं आपको बड़ी बात मानता हूँ हमने जनवरी में फोन किया मैडम को रजिस्ट्रेशन के लिए मैडम ने बोला कि जब जून के बाद रजिस्ट्रेशन होगी आप मेरी बात समझिए और बच्चे आप भी जानते हो देखो मार्केट में अकेला तो है नहीं कि बच्चे में इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब कोचिंग खोलूँगा मैं कब पढ़ाऊंगा तो बच्चे में पढ़ने आएंगे तो हमने 2 बच्चों से अपनी शुरुआत करी थी इस ऑफिस में बैठे इसी ऑफिस में हमने पढ़ा चालू किया था वो अंदर मास अकेडमी की थी हमने किराए पर दे रखी थी बाद में खाली करा दिया हमने उसको जब हमारे पास 15 बच्चे हुए थे कि अब हमें लगा कि हम खाली करा लेंगे हम किराया झिझकते हैं हमने इस वजह से हमने उसको खाली कराई हमने उनको बोला कि आप अपना खाली कर दीजिए 1 महीना पहले उन्होंने खाली किया 8 मई को उन्होंने खाली कर दिया था 8 मई से हम अपना बैच चालू करा प्रॉपर तरीके से 15 बच्चे हमारे 10th में थे 2 बच्चे हमारे 9th में थे हम 9th चलाते हैं उसमें छोटी कर चलाते हैं बड़ा पे पहुँचाई अभी टोटल ईमानदारी सोच रहा है कितने बच्चे आप काउंट कर लो अभी नहीं देखो आपने मैं देखो काउंट वाउंट कर रहा आप अपने हिसाब से बताओ कितने बच्चे ईमानदारी से सुबह से शाम तक ईमानदारी से बताऊँ टोटल बच्चे 35 सब मिला के तो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर दोबारा मैम साहब ने संपर्क किया हाँ जी आप मैं अभी आई थी तो अभी उससे पहले ही कर नहीं अभी जांच पे आई थी तब क्या कह के गई थी कुछ नहीं जांच पे वो आई थी क्या कह के गई थी कि आप झगड़ा लगवाइए और मेरे पास ऑफिस में आइएगा आपका वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है अब आप मेरे को 25,000 रुपये चला जो 50,000 आधे बच्चों का होता है वो भरिए और मैं आपको नंबर दूंगी रजिस्ट्रेशन का हम गए थे उनके ऑफिस में वो मेरी छुट्टी पर है आपको मालूम होगी घर में रजिस्ट्रेशन नंबर वो देंगे हाँ यही वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे वो अभी महीने की दिल्ली छुट्टी पर नहीं है हम उनके घर पर कल भी गए कल रात भी हो गए घर पर लेते हैं अब ये मान लो अब आपके रिश्ते आ रही है शक्ल मुझे नहीं कह रही है आप सब
रिश्तेदारी नहीं है, बैठ ले लेंगे उसमें क्या परेशानी, रिश्तेदारी हो चाहे कछु हो। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि हमारी बात ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों, अब आप भैया बंदा वहाँ समर्थन नहीं देंगे तो कौन समर्थन देगा? समर्थन तो दे रहे हैं भाई साहब, तभी तो यहाँ आराम से बैठे हैं। ऐसा है मैं बताऊँ, देखो ना तो हमारी आपसे दुश्मनी ना किसी और से, सही है हमारे लिए सभी लोग ऊपर से प्रेशर पड़ता है भाई साहब, हमें ये दिया गया है मतलब ये आप इस पे किस लाओ वो हमें उमड़िया कर रहे हैं, लाओ सबकी हमने बाइट ली है, सबके रजिस्ट्रेशन चेक किए हैं और सबकी व्यवस्थाएं देखी है, अब पर्टिकुलर आपके नहीं लेके गए हमें, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे आपको, क्योंकि खबर जब चलेगी ना कैसी नहीं तो अब जब तक पूरा नहीं रही है, एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि हमने काम नहीं किया, एप्लीकेशन पहुंच चुकी है पहले, सबसे पहले हमने अभी तो अवैध तरीके से नहीं है, अवैध नहीं है, उन्होंने बोल के गए हमसे वो लोग अप्लाइड फॉर है, आप इतना बोल देंगे ये मुझसे बोल के वो है आपके पास कोई वहाँ पर रसीद उनके पास नहीं, यहाँ अपने पास कोई चीज़ है ऐसी अथॉरिटी में जो मतलब लीगल तरीके से दिखा सके हाँ मैंने ये कर रखा है इस चीज़ के लिए, आप वहाँ पर डेरा दे रहे हैं, अरे आप आप मुझे उतना बोल तो सकते हो कि वो बोल के गए हैं उससे, ये बोल दो नहीं ऐसा ऐसा कैसे बोल दूंगा, वो मेरे को मार डालेंगी भाई तुम मेरे नाम लगा रहे हो, अरे तो फिर तो कुछ तो आपके अपने कुछ तो अपने भी करोगे यार, ये आप देखिए मैंने कब दिया है देख लीजिए, डेट देख लीजिएगा, डेट तो डाली नहीं होगा, मैं पूछूंगा मैडम से, देखिए हम रजिस्ट्रेशन की जो अभी फ़ोन कर लो ना परेशान यार, हम अपनी कॉपी दे चुके हैं रजिस्ट्रेशन की पहले, आपके पास नहीं सर, सर को बोला लोगों से बुला दी सर, चालन कटता है वहाँ पे आके एफ आई आर होती है, फ्री पर्ची मिलती है, आप मुझे चीज़ बताइए, मैं गाड़ी लेके आऊँ, मेरी बात समझिए, मैं गाड़ी लेके आऊँ, मुझे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तुरंत तो मिलता नहीं है, एएफ लग जाता है अप्लाइड फॉर, मैंने एएफ तो कर रखा है ना सर, तो उसके डॉक्यूमेंट तो होंगे ना जो गाड़ी आप लोगे, तो एएफ पूछ ले रहा हूँ, आप पूछिए एड्रेस की, आप यहाँ पर मैं अभी दे रहा हूँ अभी, आप बोलिएगा कि हम बैच चल रहा है यहाँ पर, भैया बात पूरी बतानी पड़ेगी, तो फिर वो बोलेंगे जब बेची नहीं बात कर, इतने बड़े बड़े चैनल आके चले गए मिलने, इतने भैया ना करी भैया अंगुरिया, तो देखो हम भी नहीं कर रहे हैं आपके, जो जो चीज़ें आप हमें बता दो हम अपने चले जाएँ, तो आपको दिखा दो दिया, अच्छा हमने आपसे कुछ कहा, हमने बस ये बोला है कि आप जो जैसे आपने कराया आपको बता दे, आपने वाइट दिया तो हमने भैया एक काम करो, जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी को लेकर हम डीआईओएस महोदया से बात की तो उन्होंने कहा कि आज तो छुट्टी है, आप खबर चला दीजिए, वजह हम बाद में देख लेंगे, ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि अधिकारियों को अपशब्द कहने वाले इस छूट भैया नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या वास्तव में छात्रों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या वास्तव में सूरत कांड के प्रशासन कोई सबक लेगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अवैध कोचिंग धड़ल्ले से जनपद फिरोजाबाद में जारी है और उन्हें संरक्षण देने वाला और कोई नहीं बल्कि भाजपा के छूट भैया नेता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए तरीके से अभी हाल ही में सूरत के अंदर जो कांड हुआ जिसमें एक कोचिंग के अंदर आग लगी और उसके बाद तमाम छात्रों की जान गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जिला फिरोजाबाद का प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पर तमाम ऐसे कोचिंग चल रहे हैं जिनके पास ना तो एनओसी है ना रजिस्ट्रेशन है और ना ही उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन है ना एनओसी है, फिर किस तरीके से ये क्लासेस चल रही हैं समझ में नहीं आता, तमाम कोचिंग क्लासेस फिरोजाबाद में अभी भी संचालित हैं, हमने आपको पूरे स्ट्रिंग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फिरोजाबाद में अब भी बिना एनओसी बिना रजिस्ट्रेशन के तमाम धड़ल्ले से कोचिंग चलाई जा रही है, जहां पर किसी भी तरीके से कोई भी इंतजाम नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि इन कोचिंगों को अवैध कोचिंगों को जो आश्रय है जो इन पर हाथ रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का हाथ है, जैसा हमने आपको दिखाया बीजेपी नेता साफ तौर पर पत्रकार को धमकाते हैं और कहते हैं कि जो करना है कर लो, अधिकारी को अगर फिरोजाबाद में रहना है तो झुककर सलाम करना होगा, और इसी तरीके से यह कोचिंग बदस्तूर चलती रहेगी, जो जिसको करना है वो कर ले, हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ऐसे में देखने वाली बात यह है जब हमने इस विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और महोदया से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर वर्धन नहीं हो पा रहा है आप खबर चला सकते हैं, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये जो कोचिंगें चल रही हैं इनमें किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है, तो आखिरकार इन पर कार्रवाई कब होगी, कौन लेगा संज्ञान और कौन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, और कब तक इसी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बड़े स्तर पर होता रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिरोजाबाद में अगर हम बात करें तो ऐसे कोचिंग सेंटर लगभग 478 कोचिंग सेंटर
फिरोजाबाद में इस समय संचालित है, जिनके पास न तो NOC है और न ही रजिस्ट्रेशन, न वहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सूरत कांड के बाद अब तक प्रशासन ने कोई भी सीट नहीं ली और बराबर बदस्तूर इस समय धड़ल्ले से बेखौफ जारी है। ऐसे कोचिंग सेंटर जो अवैध रूप से संचालित हैं और उनको आश्रय देने वाले और कोई नहीं, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से भाजपा नेता पर सत्ता का नशा हावी है और वो साफ कह रहे हैं कि अधिकारी को अगर रहना होगा फिरोजाबाद में तो उन्हें सलाम करना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी करण कुमार के साथ मैं देवाशीष शर्मा, टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए। करण कुमार के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।